अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं नॉइज़ पोल्यूशन को, और साथ हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वेस्टिक। ये एक्वेस्टिक क्या होती है, होता है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या, ये क्यों ज़रूरी होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन, पोल्यूशन कितने टाइप की होती है? पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती है, जिसमें वाटर पोल्यूशन आ जाते हैं, एयर पोल्यूशन आ जाता है, नॉइज़ पोल्यूशन आ जाता है, डिफरेंट बहुत सारी पोल्यूशन होती है। नॉइज पोल्यूशन का मतलब क्या है? नॉइज पोल्यूशन का मतलब ये होता है कि वो वाली सारी की सारी, अच्छा अगर हम बात करें ना, अगर अजान हो रही है, तिलावत हो रही है टीवी पर, या उसका उसको हम सुन रहे हैं रेडियो पे, तो क्या ख्याल है, आपको अच्छा लगता है? ऑफकोर्स अच्छा लगता है, माइंड को रिलैक्स करता है, वो दिल को सुकून देता है वो। तो ऐसा इसको अगर हम फिजिक्स में बोले, साइंस में बोले, तो हम इसको ना साउंड का नाम देंगे। ऐसा म्यूजिक, ऐसा साउंड जो दिल को अच्छा लगता है, जो माइंड को अच्छा लगता है, जो इरिटेट नहीं करता, जो प्लेजेंट साउंड होता है ना, प्लेजेंट साउंड, जो प्लेजेंट साउंड होगा उसको हम नाम देते हैं म्यूजिक का। ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये हमें अच्छा लगता है। और वो वाला जो अनप्लेजेंट होता है, जो अनप्लेजेंट साउंड होता है, इसको हम नाम देते हैं नॉइज का। अब मुझे ये बताएं, दोनों में डिफरेंस आ चुका है। अब बताएं कि आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हुए हैं, गाड़ी वाला हॉर्न दे जा रहा है, हॉर्न बजा रहा है, प्लेजेंट है इसको, और इसको अच्छा लगेगा? नहीं, इरिटेशन होती है यार, तो उसको हम बोलेंगे वो नॉइज है, ये नॉइज फैला रहा है, ये शोर मचा रहा है, ठीक है। और अगर कोई रोड पर खड़ा हुआ कोई नात पाट रहा है, कोई कुरान की तिलावत कर रहा है, वो आपको अच्छा लगता है? कुरान की तिलावत सुनना अच्छा लगता है ना जी, तो वो होगा, वो आपको प्लेजेंट कर रहा है, वो आपको बहुत खुशगवार लग रहा है, आपका मूड अच्छा हो रहा है, उसको हम बोलेंगे म्यूजिक, ठीक है। मतलब वो अच्छा लग रहा है, म्यूजिक म्यूजिक। अच्छा एक और चीज आपको बता दूं कि म्यूजिक का मतलब सिर्फ ये नहीं आप ले कि गाने सुनना वो म्यूजिक है, नहीं, म्यूजिक का मतलब ये नहीं होता। लोग समझते हैं कि अगर हम म्यूजिक का जब भी नाम लेते हैं उसमें गाने आते हैं, उसमें नाच गाना आता है, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, रॉन्ग है ये। म्यूजिक का मतलब होगा वो हर वो चीज जो आपको प्लेजेंट करते हैं, जो आपको खुशगवार लगते हैं, जो आपको अच्छी लगती है, जिससे आप इरिटेट नहीं होते। हाँ कुछ गाने भी हैं जो इंसान को अच्छे लगते हैं, उससे बंदा इरिटेट नहीं होता, ठीक है। इसलिए जब वो म्यूजिक का नाम लेते तो हमारा फौरन मान जाता वो गानों की तरफ जाता, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज करें इसको। एनीवे तो ये दोनों में फर्क होता है। अब ट्रैफिक का हॉर्न जो होता है, अब देखे ना कि जो हॉस्पिटल जहाँ आते हैं तो उनके पास बोर्ड लगा होता है, हॉर्न बजाना मना है, हॉर्न के ऊपर क्रॉस होता है, हॉर्न बजाना मना है, रीजन हॉस्पिटल है, पेशेंट है, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेंशन में है, उन हॉर्न बजा रहे हैं उनको सुनाया जाएगा, बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ कंट्रीज में ना इन्होंने बैन किए हुए हॉर्न को, और जो हॉर्न अगर यूज भी करना हो ना तो वो तकरीबन उनकी जो इंटेंसिटी थी वो 82-85 होती है, 82-85 डीबी इंटेंसिटी होती है, ये आप यूज कर सकते, इससे कम आप यूज, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा आपने ऑब्जर्व किया होगा लारी अड्डे पे, दो चीजें आप विजिट करें, एक लारी अड्डा जनरल बस स्टैंड लाहौर के अंदर जनरल बस स्टैंड विजिट करें यहाँ पर, और दूसरा आप विजिट करें डेवो टर्मिनल, ठीक है। दोनों बसेज पे आप ट्रेवल करें, जब आप लारी अड्डा पे लोकल बस को बस पे ट्रेवल करेंगे ना, वो हर मोड़ पे हर जगह पे हॉर्न बजाएगा, हॉर्न कितना का वो हॉर्न माशाल्लाह उनका अजीब टाइप का होता है, 4-5 बार साउंड निकालता है वो, ठीक है। तो बंदा इरिटेट होना शुरू हो जाता है। आप डेवो सफर कर रहे हैं, डेवो बस कभी हॉर्न नहीं बजाएगी, सिवाय जब कोई मतलब डेवो जा रही है और अचानक से आगे कोई छोटी गाड़ी आ गई है, बाइक आ गया या चिंकी रिक्शा या बस कोई छोटी गाड़ी आ गई, वो भी जरूरी होता है, तब वो हार्म जाएगा, और वो भी बहुत छोटा सा हार्म जाएगा, बस छोटा सा हार्म जाएगा। लेकिन जो लोकल है वो इतने हार्म जाते हैं, इतने रंग बिरंगे हार्म होते हैं कि बंदा सुनकर वो टीवा अजीब बंदा इरिटेशन इरिटेट होना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ कंट्री में ना ये हार्म बैन है। दूसरे एक और चीज याद रहे कि आउट ऑफ कंट्री में अगर आप गाड़ी जा रही है पीछे हार्म बजाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि यू आर सेइंग समथिंग रॉन्ग, आप उस सामने वाली गाड़ी को कुछ गलत कह रहे हैं, आप
हान का मतलब वहां पर ये लिया जाता है, ठीक है। तो बस हमारे पाकिस्तान में खैर। अच्छा दूसरी चीज हम बात करते हैं इक्वेस्टिक की। इक्वेस्टिक क्या होता है? इक्वेस्टिक इक्वेस्टिक मतलब होता है ये एक ना टेक्निक होती है, एक मेथड होता है। ये कौन सा मेथड? मेथड होता है जिसके जरिए अनडिजायर साउंड को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि अनडिजायर साउंड है ना उसको हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं, हम स्मूथ रह सकते हैं, उसको बोलते हैं इक्वेस्टिक। इक्वेस्टिक की टेक्निक होती है बाय विच वी कैन एब्जॉर्ब अनडिजायर साउंड। कैसे? वही बात है कि जो इससे पहले लेक्चर में बात की थी, रूम के अंदर आप खड़े हैं और बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, आवाज वॉल से टकराती है वापस आती है, तो इको यानी कि रिफ्लेक्शन आपको अपनी आवाज वापस सुनाई दे रही है। तो जब आप चार पांच इकट्ठे बंदे वहां पर बात करेंगे तो आपको किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देगी, ठीक है। ये होगा अनडिजायरेबल अनडिजायर साउंड होगा जिसको आप सुनना नहीं चाहते। अब क्या करते हैं, वॉल के ऊपर कोई सॉफ्ट सॉफ्ट जो है ना वो मटेरियल लगा देते हैं, यानी कि वॉल के ऊपर पाइलिंग कर देते हैं वुड की, या दीवार को कोई सॉफ्ट चीज लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो साउंड होता है ना वो देखें हमारे पास है जी, ये एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल है, यहां से साउंड आता है, टकराता है, टकराकर वापस आ जाता है, ठीक है। अब चूंकि वॉल जो है वो रिजिड है, रिजिड है, सख्त है, अगर हम इसकी जगह पर इसको अगर हम कम करना चाहते हैं तो हम इसके ऊपर ना इस वॉल के ऊपर हम पाइलिंग कर देते हैं, कोई सॉफ्ट मटेरियल लगा देते हैं, इस वॉल के ऊपर कोई सॉफ्ट मटेरियल लगा देते हैं इस तरह से। अब क्या होता है कि जो साउंड होता है वो जब यहां से ट्रेवल करता हो जाता है तो सारे का सारा यहां पर एब्जॉर्ब हो जाता है, सारा का सारा साउंड एब्जॉर्ब हो जाता है इसमें। जब एब्जॉर्ब हो जाता है तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता, ठीक हो गया। इसको बोलते ये मेथड होता है, इसको बोलते हैं एक्वास्टिक मेथड। इस मेथड के जरिए हम जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है ना साउंड में उसको हम एब्जॉर्ब करवा देते हैं, ठीक हो गया। इसीलिए अगर हम हॉल सिनेमा हॉल है, थिएटर है, कॉन्फ्रेंस रूम है, उसके बाद लेक्चर रूम है, जो यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं या थिएटर होते हैं, बड़े बड़े हॉल होते हैं जहाँ पर कंपटीशन हो रहे होते हैं, खैर वहां पर जब बोला जाता है ना तो क्योंकि हॉल बहुत बड़ा होता है तो आवाज जब निकलता है सामने वॉल से टकराता है तो गूंजने लगता है, इको प्रोड्यूस होता है, आवाज गूंजने लगती है तो सुनाई नहीं देती। अच्छा उसमें क्या होता है कि जहां से हम खड़े होकर बोल रहे हैं ना आवाज जाएगा वहां से भी टकरा कर आएगी, इधर टकराएगी, इधर टकराएगी, उस वॉल से टकराएगी, फिर इस वॉल से टकराएगी, फिर उस वॉल से टकराएगी, तो वो अजीब सी सिचुएशन बन जाएगी, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी। इसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी। अब ये जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी ना इसको हम नाम देते हैं रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन क्या होता है? रिवर्बरेशन होता है कि साउंड का मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बोलना एक बार है, आवाज आएगी उधर टकराएगी, उधर से इधर चली जाएगी, उधर से इधर टकरा कर जाएगी, इधर से इधर आएगी, फिर सुनाई देगी, तो ऐसा लगेगा इधर से भी आवाज आ रही, उधर से भी आ रही, उधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, इसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन, रिवर्बरेशन। अब इसको रिड्यूस करने के लिए हम एक्वास्टिक की हेल्प लेते हैं। अब एक्वास्टिक में क्या करते हैं, हम सॉफ्ट मटेरियल यूज करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल या फिर पोर्स सुराखों वाला, जिसमें छोटे जैसे कि फोम होता है ना वो उसमें छोटे होल होते हैं, तो हम वॉल के ऊपर ये लगा देते हैं जिससे जो रिफ्लेक्शन होती है वो कम हो जाती है, तो हमें अपनी गूंज सुनाई नहीं देती, हमें फिर स्मूथ आवाज सुनाई देती है, ठीक है। रिफ्लेक्शन कब होती है? जब रिजिड होती है, रिजिड बॉडी की होती है। और रिफ्लेक्शन कम कब होती है? जब हम कोई सॉफ्ट बॉडी यूज करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा एक और चीज जो होता है ना नॉइज पोल्यूशन, ये डिपेंड किस पर करती है? नॉइज पोल्यूशन करती है दो चीजों पर डिपेंड है, एक वॉल्यूम पर, नॉइज लेवल मतलब वॉल्यूम, कि जो हॉर्न गाड़ी में यूज हुआ है वो उसका वॉल्यूम कितना है, और दूसरा वो डिपेंड करती है टाइम एक्सप्लोर मतलब कितने टाइम के लिए वो हॉर्न बजा रहा है, अगर पिछले आधे घंटे से बजा रहा है फिर तो उसकी तरह तबीयत सेट करने वाली लगती है, अदरवाइज ठीक है। ये टाइम पर डिपेंड करता है और नॉइज वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, नॉइज वॉल्यूम कितना। खैर
तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हम पढ़ा है नॉइज पोल्यूशन क्या होता है, फिर हमने साथ पढ़ा है इंपोर्टेंस ऑफ एक्वास्टिक क्या होती है, एक्वास्टिक हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक हो गया। तो अगर इससे रिलेवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप पूछ सकते हैं।